में भर्ती शिक्षक 2019 में पास हुए शिक्षकों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई थी जिन शिक्षक ने वर्ग एक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी उन अभ्यर्थियों का पद ग्रहण करने के लिए सत्यापन करवाना था, लेकिन दो बार सत्यापन होने के बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है। वहीं शिक्षकों ने आरोप लगाया कि पूर्व में जहाँ प्राइवेट संस्थानों में पढ़ाते थे उनको वहाँ से भी यह कहकर निकाल दिया है कि आपका शिक्षक भर्ती 2019 के माध्यम से शिक्षण में हो गया है, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार ने भी उनको अभी तक नियुक्ति प्रदान नहीं किया जिससे उन्हें बेरोजगारी एवं मानसिक शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। उन शिक्षकों ने राज्य में राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार मंत्री जी से मिल चुके हैं लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षा मंत्री ऐसे शिक्षकों की पद स्थापना को लेकर गंभीर नहीं है। ज्ञापन दिया कितने क्या साल की समस्या। हम सभी लोग जो वर्ग एक शिक्षक पात्रता परीक्षा थी उसके उत्तीर्ण और मेरिट होल्डर अभ्यर्थी हैं। अभी जो परीक्षा 2018 में आयोजित हुई थी उसका रिजल्ट आए हुए भी आज बराबर एक साल हो चुका है। इसका रिजल्ट 28 अगस्त 2019 को घोषित किया गया, लेकिन आज दिनांक तक ये प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया और जो नियुक्ति पत्र अभी तक हम लोगों को जारी नहीं हुए हैं। एक तरफ तो सरकार सारे काम कर रही है लेकिन जो शिक्षक भर्ती है उसके अलावा सारे काम हो रहे हैं लेकिन इसी को रोक दिया गया है। इसमें बीच में सत्यापन भी 1 जुलाई से शुरू हुआ था और वो 3 जुलाई तक चला और 8 जुलाई तक होना था लेकिन 4 जुलाई को परिवहन का बहाना बना के इसको तत्काल रोक दिया गया। बाद में इसमें यथा प्रकरण कोरोना या अन्य कोई कारण बताकर इसको लंबित किया जा रहा है। वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत कक्षा 9 से 12 तक जो अध्यापन कार्य होना है वो ऑनलाइन होना है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो वर्तमान में कार्यरत शिक्षक है पुराने शिक्षक उनको ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों में वो काफ़ी पीछे हैं और प्रशिक्षित नहीं है उनका। और जो हम सब लोग हैं कहीं ना कहीं प्राइवेट संस्थाओं से भी जुड़े हुए थे अभी वर्तमान में, लेकिन हमारा रिजल्ट घोषित होने के बाद हमें प्राइवेट संस्थाओं से भी हटा दिया गया है। ये हवाला देखे कि आप लोगों की नियुक्ति होने वाली है तो हम आप लोगों को आगे निरंतर नहीं रख सकते, तो हम प्राइवेट स्कूलों से भी हाथ धो चुके हैं और जो भर्ती प्रक्रिया आज से 1 साल पहले होनी चाहिए थी उसको अभी तक हम लोगों के हाथ में कोई रोजगार नहीं है। हम आर्थिक रूप से भी पिछड़ते जा रहे हैं और मानसिक प्रताड़ित भी हो रहे हैं। गवर्नमेंट को इस संदर्भ में बार बार ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया। हम शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी परमार के क्षेत्र सुजालपुर से ही हूँ मैं, उनको भी जब इस संदर्भ में बताया तो उन्होंने कहा कि कभी उन्होंने कोरोना कभी बजट का बहाना बनाया और कि हम शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं तो बिना शिक्षकों के किस तरह से आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। एक तरफ सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है, स्कूल बंद होने की कगार पे हैं और सरकार केवल जुमलेबाजी कर रही है। चुनावों में इस प्रक्रिया को हर बार भुनाया गया, तो हमारा सभी का उससे अनुरोध है कि इस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूर्ण करें ताकि सरकारी स्कूलों में नए प्रशिक्षित शिक्षक उनको मिल सके और बच्चों के साथ अच्छी शिक्षा के साथ हम प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा यहाँ पे उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती जो प्रक्रिया 2018 में शुरू हुई थी उसके चयनित उम्मीदवार हैं और हम यहाँ पर कलेक्टर साहब के सामने ये समस्या लेकर आए हैं कि पिछले 2 सालों से हमारी भर्ती प्रक्रिया अटकी पड़ी हुई है। जुलाई में 3 जुलाई तक सत्यापन प्रक्रिया हुई लेकिन अचानक से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगा दी और उसके बाद में तब से लेकर आज तक हमने कई जगहों पर ज्ञापन दिया लेकिन हमारी आगे कोई सुनवाई हो नहीं रही है और ये भर्ती प्रक्रिया बीच में लटकी हुई है। आज हमारे रिजल्ट को आए हुए जो कि 2019 में अगस्त 28 2019 को आया था उसको पूरा 1 वर्ष हो गया है। उस रिजल्ट की हम लोग बरसी मनाते हुए यहाँ पर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि वो जल्दी जल्दी हमारी समस्या का निराकरण करें और इस भर्ती प्रक्रिया को आगे की तरफ बढ़ाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में आगे जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे जो स्कूल्स हैं उसमें शिक्षकों की कमी है और हम जो चयनित उम्मीदवार हैं हम लगातार रास्ता देख रहे हैं कि हमारे भर्ती हो और स्कूल शिक्षा विभाग में हमारा योगदान दे रहे हैं। इस विषय पर मंत्री राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार से ही बात हुई? हमारी इस विषय से राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार जो कि स्कूल शिक्षा मंत्री है उनसे भी कई बार बात हुई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और लगातार ये बोल रहे हैं कि जल्दी शुरू होगी लेकिन अभी तक इस भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और ये भर्ती प्रक्रिया तब से रुकी हुई है। क्या नाम है आपका पूरा? प्रकाश। शाहजहाँपुर से मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट।